भाई वो हिट मशीन है और आप दिल तोड़ने की मशीन है, तो आपने उनका भी दिल तोड़ा, खेसारी लाल यादव का दिल तोड़ा या नहीं? नहीं, मैं सर की दिल कैसे तोड़ूंगी, वो सर बहुत अच्छे हैं और काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत सीरियस होकर काम करते हैं अपना, और बहुत सपोर्ट किए मुझे। खेसारी लाल यादव लकी हैं आपके लिए कि जैसे ही उनका गाना खत्म किया आपने, शूट ओवर हुआ, दूसरा गाना आपको आ गया, वाओ। हाँ सच में खेसारी सर लकी है मेरे लिए। थैंक यू सो मच खेसारी सर, आपके साथ में गाना की उसके दूसरे कल ही मुझे दूसरे गाने का ऑफर आ गया। जाने मारे लहंगाई जे पुड़िया, जाने मारे लहंगाई जे पुड़िया। नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और दोस्तों ये बिंदास भोजपुरिया है। एक नया गाना, असल में एक शानदार गाना लॉन्च हुआ है लहंगा लखनऊआ के बाद, अब ये लहंगा जयपुरिया है और उस गाने के ये दोनों खूबसूरत कलाकार मेरे साथ बिंदास भोजपुरिया पर हैं। भाई साहब नाम बताइए। मैं अभिनव तिवारी, बिंदास भोजपुरिया पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैडम नाम बताइए। मैं आप सबकी मंशा यादव और बिंदास भोजपुरिया पे आप सबकी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभिनव भाई और मनीषा जी ये दो कलाकार हैं जो कि लहंगा भोजपुरिया के अंदर नजर आने वाले हैं। गाने तो हम सब ने देखे ही हैं क्योंकि आ चुके, गाने के पीछे की कहानी वो आप लोग बताएंगे। गाने के पीछे की कहानी ऐसा कुछ है तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी कहानी है, वो बहुत ज़्यादा लंबी वार्ता हो जाएगी, पर ये है कि गाना आप लोगों ने देखा, जैसा कि अब आपने भी देखा होगा सर, पसंद आया लोगों को और दर्शकों को भी पसंद आया। आज सुबह आया, बहुत सारे मैसेजेस आए, मुझे अच्छा लगा। भोजपुरी में एक अच्छा लेवल का काम हुआ है, बहुत अच्छा खूबसूरत गाना बनाया गया, लोगों ने ये बताया कि हाँ सुन के अच्छा लगा। और अभिनंदन प्रधान जी की आवाज़ है इसमें, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ, मैंने गाना गाया नहीं है, अभिनंदन जी ने गाना गाया है, मनदीप जी ने इसमें म्यूजिक दिया है। जिप्सी प्लेटफॉर्म पे मुझे ये गाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मज़ा आया काम करके। बिल्कुल। मनीषा जी आप अपने बारे में ज़रा बताइए कि भाई इस गाने में जो खूबसूरत लड़की नज़र आ रही है आप ही हैं। जी, और बहुत अच्छा गाना लगा मुझे, बहुत अच्छा गाना था। गा के सुनाइए, जरा सा गाना गुनगुना के आप अपनी मधुर आवाज में सुनाइए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि लड़कियां जो खूबसूरत होती हैं, ऑब्वियसली ये ऊपर वाले का गिफ्ट है कि उनकी आवाज भी उन्हीं की तरह खूबसूरत होती है। एक्चुअली ये गाना मुझे पूरा नहीं याद, बस एक बोल है याद, जाने मारे लहंगाई जे पुड़िया, जाने मारे लहंगाई जे पुड़िया। बहुत शानदार। काश इन्हें पूरा गाना याद होता या कुछ और लाइनें याद होती तो इंटरव्यू और ज़्यादा मज़ेदार होता। मनीषा जी आप ज़रा अपने बारे में मुझे बताइए कि भाई मनीषा यादव जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो इस गाने में नज़र आ रही हैं, ये कहाँ से आती हैं, क्या बायोग्राफी है आपकी? मेरी बायोग्राफी, एक्चुअली मैं तो मैं दो जगह से बिलोंग करती हूँ। मैं बीरगंज नेपाल से भी बिलोंग करती हूँ और यूपी से भी बिलोंग करती हूँ। अगर दोनों से मेरे बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरी मम्मी यूपी के, मेरे पापा बीरगंज के, नेपाल के, और मैं पढ़ी लिखी नेपाल में ही हूँ, मेरा फुल स्टडी नेपाल में हुआ है, तो मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। और मम्मी मेरी बहुत सपोर्ट करती है इस काम को लेकर, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, अगर वो नहीं रहती तो शायद मैं यहाँ आती भी नहीं। सो मम्मी बहुत सपोर्ट करती है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। पापा भैया का कुछ अलग ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, पढ़ लिख के इंडस्ट्री में ना जाऊं, बट फिर भी मम्मी ने मेरे से सपोर्ट किया, इंडस्ट्री में लाई मुझे। ये बात खैर अलग है कि अगर आप डॉक्टर होती तो किसी के दांत वांत तोड़ती, अगर डेंटिस्ट बनी होती, अगर आप सर्जन होती तो किसी के दिल का ऑपरेशन करती, लेकिन दिल तो आप ऐसे ही चुरा रही हैं, ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? ये इंटरनेशनल स्टार अभी तो दिल तोड़ने की मशीन बन गई है। मेरे पास एक और है, उन भाई साहब का नाम है हिट मशीन, ये दिल तोड़ने की मशीन है, वो हिट मशीन है। मैं बात कर रहा हूँ खेसारी लाल यादव की, खेसारी लाल यादव हिट मशीन कहते हैं, अब आज के बाद ये दिल तोड़ने की मशीन है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। दिल तोड़ने वाली मशीन, हिट मशीन, दिल तोड़ने वाली मशीन, ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको मुझे इतना मतलब बहुत प्यारा वाला नहीं, ये दिल तोड़ने वाला है ये, तो इसको मैं प्यारा नहीं बोल सकती, क्योंकि सब लोग मुझसे दूर भागेंगे कि अरे यार ये तो दिल तोड़ने वाले ही है, इसीलिए। अच्छा एक बात बताओ अभिनव भाई, ये आपको कैसे याद है कि भाई ये दिल तोड़ने वाली हैं? आपका दिल तोड़ा है इन्होंने? नहीं, मेरा दिल तो नहीं तोड़ा है, मेरे साथ इन्होंने काम किया और बहुत अच्छे तरीके से काम किया, और उसके बाद से हमारी इनकी अच्छी दोस्ती है और बहुत स्वीट सी है, हम्बल है। बट मुझे, मैंने इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इनको
पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, पर ये सबको एक अच्छा माहौल बना के रखती हैं लेकिन दिल किसी को नहीं देती है। लास्ट में होता क्या है कि हाँ मैं मिलती हूँ आपसे, तो दिल तोड़ने की मशीन ही तो बन गई है फिर ये। अब तक कितने लड़कों का, कितने चाहने वालों का दिल जो है वो ये दिल तोड़ने वाली मशीन तोड़ चुकी है? कोई आंकड़ा याद है? 100, 200, 500, 400, 600 कुछ है आंकड़ा याद? तहलका मचाने वाली है ये, आने वाले दिन में तहलका मचा रही है ये, इसीलिए तो। थैंक यू सो मच, बट दिल शायद मैं नहीं तोड़ी हूँ किसी का, ना मैं आगे चल के तोड़ूंगी। किसी का टूट जाए तो अलग बात है, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी। अच्छा, मतलब अगर किसी का टूट जाए तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है? टूट गया तो टूट गया भाई, आप जानबूझ के नहीं तोड़ती हैं। ये आरोप में सफाई ऐसे ही लोग देते हैं। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ, मैं दिल कभी तोड़ ही नहीं सकती किसी का। अच्छा एक बात बताइए अभिनव भाई और मनीषा जी, ये जो गाना शूट हुआ जयपुरिया, लहंगा जयपुरिया, बड़े खूबसूरत लोकेशंस पे शूट हुआ, मैंने देखा लोकेशंस जो थे बड़े शानदार थे, कहाँ शूट किया था आप लोगों ने, ज़रा बताइए मुझे। ये गाना यहीं बॉम्बे में ही शूट हुआ था, और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जिप्सी प्रोडक्शन हाउस को, जिप्सी म्यूज़िक को, इन लोगों ने बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट किया था वहाँ पर, बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन चूज़ किया था, इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिला हमें इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे, काफ़ी बड़े लेवल के डायरेक्टर चंदन उपाध्याय सर का, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, और लोकेशन तो ये प्रोडक्शन के द्वारा ही चूज़ किया गया था, हम गए वहाँ पे देखें, मज़ा आया काम करके। ये बॉम्बे में आपके मीरा भयंदर के पास में ये लोकेशन है। शानदार। अच्छा मनीषा, आपने बेसिकली लहंगा लखनऊ सुना होगा, खेसारी लाल यादव और रितेश भाई की भी आवाज़ में, रितेश पांडे साहब ने भी गाना गाया, उसमें डबल पावर था, दोनों गायकों ने गाया था। अब आपने उसके बाद आप गाना लेके आ रहे हो लहंगा जयपुरिया, कंपेयर नहीं होगा, तुलनाएं नहीं होंगी कि भाई लहंगा लखनऊआ के बाद आप लोगों ने लहंगा जयपुरिया लॉन्च कर दिया तो किसका गाना बेहतर है? सवाल तो लोग पूछेंगे ही ना। एक्चुअली कहा जाए तो दोनों गाना बेहतरीन है, वो भी गाना बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वो गाने का भी रिस्पॉन्स था, और हम लोग भी बहुत अच्छा कोशिश किए हैं कि हमारा गाना भी बहुत अच्छा हो, लेकिन पब्लिक के ऊपर है कि वो लोग हमें प्यार दे, आशीर्वाद देते ये गाना और अच्छा हो जाए, इस गाने को ढेर सारे प्यार दे अपना। और एक्चुअली लखनऊआ तो हो गया था ना, तो इसलिए हम लोग थोड़ा कुछ यूनिक सोचे कि जयपुरिया, हम लोग लहंगा जयपुरिया से लाते हैं। तो जयपुरिया से ला के बना दिए। अच्छा मनीषा, आपने इस गाने से पहले और क्या काम किया है? कोई अब फिल्म की है आपने या गाने किए हैं? मुझे ज़रा पता नहीं है, तो प्लीज़ आप ज़रा बताइए अपने बारे में। एक्चुअली गाने से पहले मैं फिल्म की हूँ, 10 फिल्में मैं की हूँ इस गाने से पहले। और 10 फिल्में? अरे कहाँ छुपी थी आप, 10 फिल्में करने वाला आर्टिस्ट अब तक नहीं मेरे को मिला जिसका मैंने इंटरव्यू नहीं किया, इतना बड़ा सितारा जो था वो मेरी नज़रों से कैसे छुपा हुआ था? मुझे लगता है चश्मे का नंबर बढ़ गया। खैर जेम सही है, ये छिपी हुई थी, मैं इनको निकाल कर लाया हूँ। मैं क्या मतलब, मेरे प्रोडक्शन हाउस जिनके सर के द्वारा इन लोगों ने मिला, जिप्सी म्यूजिक ने इनको ढूंढ के लाया है, तो अच्छा लगा मुझे। तो इसके लिए मैं श्रीमान डीएम त्रिपाठी साहब जो कि निर्माता हैं इस गाने के, साथ ही साथ जिप्सी म्यूज़िक के प्रमुख हैं, उन्हें ये शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि भाई साहब इतना खूबसूरत चेहरा आपने हम लोगों को ढूंढ कर दिया, खोज के निकाला। मनीषा बताइए मुझे ज़रा अपने बारे में कि भाई आपने कौन कौन से फिल्में की हैं, किस कलाकार के साथ की हैं, गाने किए हैं तो किसके साथ किए हैं? मैं एल्बम की हूँ, वो तो मेरी फर्स्ट एल्बम थी खेसारी सर जी के साथ। अच्छा, खेसारी लाल यादव, अभी जिक्र कर रहे थे भाई, वो हिट मशीन है और आप दिल तोड़ने की मशीन है, तो आपने उनका भी दिल तोड़ा, खेसारी लाल यादव का दिल तोड़ा या नहीं? नहीं, मैं सर की दिल कैसे तोड़ूंगी, वो सर बहुत अच्छे हैं और काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत सीरियस होकर काम करते हैं अपना, बहुत सपोर्ट किए मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके। और उसके कल ही हम लोग आज ऐसे 2 गाने किए खेसारी सर के साथ, उसके कल ही मुझे ये भी ऑफर आया कि ये गाना आपको कल करना है, तो मैं कल ये भी जयपुरिया वाला हमारा सॉन्ग जाके की थी मैं। तो खेसारी लाल यादव तो भाई आपके लिए लकी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके। और उसके कल ही हम लोग आज ऐसे 2 गाने किए खेसारी सर के साथ, उसके कल ही मुझे ये भी ऑफर आया कि ये गाना आपको कल करना है, तो मैं कल ये भी जयपुरिया वाला हमारा सॉन्ग जाके की थी मैं। खेसारी लाल यादव तो भाई आपके लिए लकी हैं, खेसारी लाल यादव लकी हैं आपके लिए कि जैसे ही उनका गाना खत्म किया आपने, शूट ओवर हुआ, दूसरा गाना आपको आ गया, वाओ। हाँ सच में खेसारी सर लकी है मेरे लिए, थैंक यू सो मच खेसारी सर, आपके साथ में गाना कि उसके दूसरे कल ही मुझे दूसरे गाने का ऑफर आ गया, और अभी भी ऑफर आ रहे हैं और चीज़ कामों के भी, तो थैंक यू सो मच सर।
यू आर लकी पर्सन। खेसारी भाई, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हो तो मनीषा यादव जी ने आपको शुक्रिया कहा है, वो आपको लकी पर्सन मानती हैं अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि आपके साथ जब उन्होंने काम किया तो उसके बाद उन्हें और ढेर सारे गाने जो है वो मिले। वैसे वो रिकॉर्ड ब्रेकर कहे जाते हैं, जैसे आप दिल तोड़ती हैं ना, वो रिकॉर्ड तोड़ने में विश्वास रखते हैं। खेसारी लाल यादव तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। लोग कहते हैं ना कि वो बड़ा वाला हथौड़ा लेके घूमते हैं, रिकॉर्ड को तोड़ डालते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हैं। उनके साथ फिल्म करने का अगर ऑफर आए तो मनीषा यादव करेंगी, कम्फर्टेबल हैं? Oh my God, I'm so excited. Comfortable की बात बोल रहे हैं सर, मैं बहुत excited हूँ सर के साथ काम करने के लिए। और मैं सर को बोली भी कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहती फिल्म, बोले हाँ बेटा जरूर करेंगे हम लोग काम, तभी उसमें प्लानिंग चल रही है, बातचीत चल रही है, बट मैं जल्दी करने वाली हूँ सर के साथ काम, बस खेसारी सर मुझे सपोर्ट करें तो करेंगे काम। शानदार। वैसे खेसारी लाल यादव का ये व्यक्तित्व जो है वो करिश्माई है, लोग इसी तरह से जब भी उनकी बात करते हैं तो आंखों में एक चमक सी आ जरूर जाती है। अभिनव सर, अभिनव जी, मुझे ये बताइए ज़रा अपने बारे में कि भाई आपने ये गाना करने से पहले क्या क्या काम किया है? मैंने ये गाना करने से पहले मुझे जिप्सी म्यूज़िक के द्वारा ही मुझे होली के भी गाने मिले और किया मैंने गाना। होली गाने बहुत प्यारे हैं, अगर आप लोगों ने सुने होंगे तो अच्छा मिला लगा होगा आप लोग को। बहुत ही होली के गाने होने के बावजूद पारिवारिक गाने थे, अच्छा लगा। और इसके अलावा मैंने जी एन फोकस फिल्म क्रिएशन के बैनर तले एक फिल्म की, दिल सच्चा चेहरा झूठा, जिसको आदर्श जैन सर ने निर्देशित किया है। उसके पहले मैं हिंदी सिनेमा में था, मैं हिंदी सिनेमा मैंने ऑलरेडी एक झुमकी नाम से एक वेब सीरीज की है, एक अयाश नाम से वेब सीरीज की है जो एमएक्स पे आने वाली है। और मैं साधा इंडिया के शोज किया करता था 2014-15 के दौरान, उसके 4 साल मैंने थिएटर भी किया है। फिर मैंने एन टी वी पे कहत हनुमान, जय श्री राम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये सारे टीवी शोज मैंने किए हैं। काफ़ी अनुभव है आपको और ये आपके काम में साफ तौर पर दिखता है। जब आप कैमरे के सामने होते हैं, चाहे गाना हो या फिल्म हो, जब भी आप करते हैं तो ये अनुभव आपका कैमरे के सामने दिखता है। आप दोनों को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के लिए, आप लोगों ने मुझे समय दिया इसके लिए, थैंक यू सो मच। मनीषा जी और अभिनव भाई, आप लोगों को शुक्रिया। लहंगा जयपुरिया के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, आप लोगों का ये गाना सुपर डुपर हिट हो, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। बस मैं लास्ट में अब दर्शकों से यही कहूँगा कि ZIFC म्यूज़िक यूट्यूब पे है, इसको सब्सक्राइब कर लें और गाने को हमारे प्यार दें ताकि मैं आगे और अच्छा गाना आप लोग के सामने ला सकूं। धन्यवाद। मैं भी यही कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को, प्लीज़ इस चैनल को और इस फिल्म को ढेर सारा प्यार दें, और सबसे ज़्यादा प्यार दें हमारे जो सर हैं इनको और ये बिंदास भोजपुरिया चैनल के, हमेशा आते रहे हम लोग ऐसे, हाँ साथ रहे और इंटरव्यू लेते रहे। हाँ आनंद सर के साथ इंटरव्यू देना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मज़ेदार होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। प्यार है आप लोगों का, प्यार है, मैं ये कहूँगा आप लोगों का प्यार है। वैसे जिनका आप नाम ले रही थी उनके लिए भी कोई मैसेज है? अगर उनके लिए कोई मैसेज है, मैं बात करूं खेसारी लाल यादव की जो आपके लिए लकी पर्सन है, उनके लिए कोई मैसेज है तो प्लीज़ कैमरे में देखकर रिकॉर्ड कीजिए। खेसारी सर, यू आर टू गुड पर्सन और आप मेरे लिए बहुत लकी हैं, और मैं हमेशा चाहूँगी आपके साथ काम करूं, सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए कि मैं अच्छे से काम कर सकूं, बस यही कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच सर, खेसारी सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे दिलीप भैया हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू शूट किया, मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ, अक्सर वो लंबे इंटरव्यू शूट करते हैं। आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग इस गाने को सुनना चाहते हैं एक बार तो कम से कम जाकर आप ज़रूर सुनिए।